हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा टेरिस गार्डन। फ्रेंड्स देखिए, ये टिकोमा का फ्लावर है और कितने ही अच्छे से इसमें ब्लूमिंग हो रही है। ये येलो कलर है जिसमें रेड कलर का सेड है और गर्मी में भी इसमें बहुत ही अच्छी ऐसे ही फ्लावरिंग होती है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये विंका है। विंका बहुत सारे कलर्स में आते हैं और आपके गार्डन में ऐसे कलरफुल लुक देते हैं। ये गर्मियों में भी ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे फ्लावर्स के बारे में बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो हम गर्मी में ऐड करेंगे। तो गर्मियों के साथ साथ ये बारिश में भी बहुत अच्छा चलते हैं और विंटर सीजन शुरू होने तक ये बहुत ही अच्छे से हमारे गार्डन में फ्लावरिंग देते हैं और बहुत ही अच्छी खूबसूरती देते हैं हमारे गार्डन को। फ्रेंड्स, अगर आपके पास अभी तक टिकोमा नहीं है तो आप टिकोमा अपने गार्डन में अभी ला सकते हैं। ये गर्मियों से लेके पूरी सर्दियाँ आने तक आपके गार्डन में ऐसे ही फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। आगे है ये पिंटास का प्लांट है। पिंटास बहुत सारे कलर्स में आते हैं, मेरे पास भी इसके 4 कलर हैं। ये भी गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग देते हैं, जितना धूप बढ़ता है उसकी फ्लावरिंग और बढ़ जाती है और ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं। बारिश में भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, सर्दियों में भी इसमें फ्लावरिंग होती है, बस सर्दियों में थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो जाती है इसकी। लेकिन ये पूरे साल आपके 12 महीने आपके गार्डन में ऐसे ही फ्लावरिंग करते रहेंगे और आप इनके कलर्स भी देख सकते हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे कलर्स में आते हैं ये। अगला प्लांट है विंका का प्लांट। विंका का प्लांट भी गर्मियों से लेके पूरी सर्दियों तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, बस इसकी कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं, उन्हें हमें बारिश की पानी से बचाना होता है। अगला प्लांट्स है फ्रेंड जीनिया का प्लांट। जीनिया का प्लांट वैसे तो हर महीने फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये समर में बहुत ही अच्छा चलता है और समर के बाद आप बारिश का सीजन आएगा उसमें भी जीनिया लगा सकते हैं। समर के बाद बारिश में भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है, हमारे गार्डन में अपने आप जर्मिनेट होते रहते हैं और आप इनका पूरे 12 महीने अपने गार्डन में इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। आगे है प्लांट फ्रेंड्स, ये है चांदनी का प्लांट। चांदनी में भी अलग अलग बहुत सारी वैरायटी आती है, इसकी ड्वार्फ वैरायटी आती है, टॉल वैरायटी आती है। इसमें भी गर्मियों से लेकर पूरे बारिश सीजन तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। ठंड में ये थोड़ी सी डोरमेंसी में होती हैं तो उसमें फ्लावरिंग कम होती है। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, एक बार आप अपने गार्डन में ले आएंगे इसे तो ये सालों साल आपके गार्डन में चलेगा ऐसे ही। अगला प्लांट है देखिए फ्रेंड्स, ये कोलियास का प्लांट है। कोलियास पे मैंने फुल केयरिंग वीडियो भी बनाया हुआ है। कोलियास का मेन इसका पत्तियां होता है, पत्तियों के कलर्स अलग अलग कलर्स में आते हैं ये, और ये अपनी पत्तियों की खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। आप कोलियास को गर्मियों में ऐड करेंगे तो ये बिना फ्लावरिंग के भी देखिए कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप कोलियास ज़रूर ऐड करें। ये बहुत सारी वैरायटीज़ में आते हैं, मेरे पास तो अभी इसकी ओनली 4 वैरायटीज़ हैं। आप देखेंगे नेट वगैरह में सर्च करके देखेंगे, आप गार्डन में भी कहीं नर्सरी में लेने जा रहे हैं या किसी रिलेटिव के यहाँ तो देख सकते हैं, इसकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं। मैं भी आगे इसकी और भी वैरायटीज़ अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करूँगी। और देखिए ये बिना फूल के पत्तियों के कारण ही बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए ये कॉफ़ी कलर का है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे है फ्रेंड्स, ये रेन लिली का प्लांट है। देखिए रेन लिली में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आप हाइब्रिड वैरायटी की रेन लिली लाते हैं तो ये मई जून से ही आपके गार्डन में फ्लावर देना शुरू कर देते हैं और पूरे बारिश तो इनका पूरा सीजन ही होता है। बारिश लगते ही इसमें पूरा पॉट भर जाता है फ्लावर से, और इसको बल्ब से आप ग्रो कर सकते हैं। कुछ वैरायटी में सीड्स भी बनते हैं और उसी से ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगले साल देखिएगा ये पूरा पॉट इनसे भर जाएगा। अगला प्लांट है फ्रेंड्स मैरीगोल्ड का प्लांट। आप देख सकते हैं इसमें इतनी गर्मी में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और आप इससे पूरे 12 महीने आप इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। एक ही प्लांट पूरे साल नहीं चलता है, लेकिन ये सीड्स से ही बार बार ग्रो होते रहते हैं और इसके एक प्लांट जो होते हैं वो 4 से 5 महीने चल जाते हैं। ऐसे सीड्स से ये नए नए प्लांट बनाते रहते हैं और पूरे 12 महीने आपके गार्डन को ये फ्लावरिंग देते रहेंगे ऐसे ही। और अगला प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए ये है टोरेनिया का प्लांट। टोरेनिया भी ऐसे ही पूरे 12 महीने फ्लावरिंग करते रहते हैं
और इसको थोड़ा सा गर्मियों में शेड की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट धूप में ना रखें इसको। ये भी सीड्स से मल्टीप्लाई होते रहते हैं, एक ही प्लांट इसका भी नहीं चलता है। इसका एक प्लांट 2-3 महीने अच्छे से फ्लावरिंग करने के बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन इसके सीड्स से नए नए प्लांट्स बनते रहते हैं और ये पूरे साल आपके गार्डन में फ्लावरिंग देते रहते हैं। तो ये थे सारे वो प्लांट्स जो आप एक बार गार्डन में ऐड करेंगे तो ये आपके गार्डन को कभी भी छोड़ के नहीं